हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे आप सब, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छा हूँ आप लोगों की दुआ से। तो दोस्तों, आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन लेके आई हूँ वो है खेसारी लाल यादव का स्टेज शो। और ये स्टेज शो ऐसा है जिसमें खेसारी लाल यादव ने अपनी गरीबी की बातें बताई है, अपने हाल बताए हैं। तो हम भी वो हाल सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव क्या क्या बातें बता रहे हैं। और ऑब्वियसली इमोशनल तो होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि कोई अपनी पुरानी बातें बताता तो वो बहुत बहुत इमोशनल हो जाती है वीडियो, बहुत अटैचमेंट होती है, मतलब बहुत इमोशंस जुड़े रहते हैं ना उस बात से। आंखें भी नम हो जाती हैं कई बार, एक वो अजीब सी स्माइल भी आती है कि भी ऐसे वाली कि भी मैं कितना कुछ सहन करके यहाँ तक पहुँच जाऊँ। स्ट्रगल का टाइम वो अपना याद कर रहे होंगे। तो मैं तो अभी क्या ही बोलूँ, पहले देख ही लेते हैं वीडियो, क्योंकि जब तक वीडियो देखेंगे नहीं पता नहीं लगेगा कि एग्जैक्टली खेसारी लाल यादव क्या हमें बता रहे हैं। तो जल्दी जल्दी वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं, इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। ओ करो रीजन बा, जब हमार शादी भइल न तो हमार ससुर जी चवानी भर के सिकड़ी दे। देखिए उस समय में भैंस चराता था तो उतने काबिल था, अब हो तब न 1.5 किलो मांग लेती, अब हो तो खेसरिया फरारी मांगी थी। अब अगर होता, अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो शायद मैं शादी नहीं करता, क्योंकि मुझे आप लोगों से ज्यादा प्यार है। मैंने अपनी गरीबी को देखा है नजदीक से, बड़ी नजदीक से अपनी गरीबी को देखा है। मैं 7 भाई हूँ, मेरे पापा अकेले कमाने वाले हैं, मेरे चाचा के 4 लड़के हैं और मैं 3 भाई। मेरी चाची बहुत पहले गुजर गई, मेरी माँ ने ही चारों बच्चों को पाला, इसलिए 7 भाई बोलता हूँ मैं। और हमने इतनी गरीबी देखी है कि पापा रात को गार्ड की नौकरी करते थे और दिन में चना बेचकर हम लोगों को हर चीज पालते थे और पोसते थे। तो मैंने उस गरीबी को देखा है। मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं इसी उम्र में मैं 2011 में हीरो बना था। 2011 में मैं आज 19 है, शायद 10 साल हो गया ना, 10 साल हो गया। मैंने इस बीच में मैं अगर 1 करोड़ रुपये अगर कमाता हूँ तो कम से कम उसमें से 40 लाख रुपये मैं गरीबों के अंदर दान करता हूँ तो मुझे सुकून मिलती है, क्योंकि मैंने गरीबी देखी है आप लोगों के। जबकि वो मेरा पैसा नहीं, वो मेरा कुछ नहीं है। आप लोग चंदा देते हैं खेसरिया का एक गाना, अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देते हैं, खेसरिया के चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे 10 पैसे मिलते हैं उससे। तो 10 पैसे मिलते हैं तो सुशी 10 पैसे से मैं उन गरीबों को, मैंने 62 बच्चों को गोद लिया है, अपना बेटा की तरह पालता हूँ, पढ़ाता हूँ और उनका ख्याल रखता हूँ। मैं आप सबसे भी बोलता हूँ कि आपके जीवन आपके परिवार के लिए नहीं मिली है। मैं इसलिए करता हूं कि सारी दीवानगी जो आप सबकी है, अगर एक भी आदमी खेसारी के असूलों पे चल गया तो शायद मेरा उन गरीबों के लिए करना सार्थक हो जाएगा। तो मैं करूंगा तो शायद आजकल के जनरेशन इस चीज को जरूर करेगी। अपने माँ बाप को कभी नहीं बोलना। मैंने जो कुल्ली नंबर 1 सिनेमा बनाई है, अगर एक भी बच्चा अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम नहीं भेजा तो शायद उस सिनेमा बनाना मेरा सार्थक हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वहां वो काम करूं। अपने बीबी को अगर आप 50,000 का कुछ खरीद दीजिएगा ना सर, तो कभी थैंक यू नहीं बोलेगी आपको। लेकिन किसी गरीब को अगर जरूरत पे अगर 50 रुपये दे दीजिएगा ना, तो लगेगा कि उसके जीवन के सब कुछ मिल गया आपको। तो करके देखिएगा, बड़ा मजा आता है। मेरे छपरा में, सही बात बिल्कुल, मेरे छपरा में 45 घर जल गए थे। मैंने उनको कुछ नहीं दिया, घर बनाने का थोड़ा सा मदद किया। YouTube पे जाइए, लोगों ने दुआओं से भर दिया। खेसारी तो भगवान है, लेकिन भगवान नहीं खेसारी, आप सबका प्यार है और उसी में रहना चाहता हूँ। भगवान तो आप सब है मेरे लिए। कि खेसरिया एक बार गाता है कि तो आप सब विदाउट नंबर दाबे 500 खींचा जाता है। ना नंबर दबनी, ना कोड दबावनी, ना कोनो कंपनी में गनी, ना बैंक में गनी, जहां चूसा तकावनी की एगो 500 आ गए। तो मेरी एटीएम आप सब हैं, मेरे लिए आप सब सिर्फ एक जनता और पब्लिक नहीं, मेरे लिए मंदिर भी आप हैं, मस्जिद भी आप हैं, गुरुद्वारा भी है, वो भगवान की हर वो चौकट है जिस पे खेसारी अपना सर रख के और अपने जीवन को यहां तक पहुंचा दे जा रहे हैं। अरे कि मर जाई भी ससुरा तहरा, जाए के पहिले अफेल होई हाड़ का।
पहले। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है, अलैकवा कहता कि ये जान तोहर ब्याह होता माइक दे के तोहर ब्याह होता हमरा के छोड़ के चल जाइबू हमरा से प्यार के नाटक कर ले रही हत नदी से ना ये जान हाँ सच में अब हमार ब्याह होता रहुआ अपन जिंदगी संभाली अब हम का भैंस के लेके संभारे जब तू चलिए जाइबू तो जब इंसान के साथ से हमर जीवन ना कटी तो भैंस के संग का करब रे बताओ हम जीवन भर दूध दूही अब तू कहीं और जाइबू अब तो जाही के पड़े वही सीट पर भेजे के फेर में लागल बिया हमरा के मुंह के किनारे ले जाइबे काते ना जान ना ना लइकिया कलस की देखा जान अइहा जरूर हमरा शादी में लेकिन लइकावा जो रहे साउंड के मालिक रहे साउंड ऑपरेटर रहे तो करे बिया हमें ओकर बाबूजी ओकर साटा क देले तो कलस तैयार तो गइल बड़ लेकिन एगो काम करी है एगो गाना मत बजाई है कि याद कर जहिया कुहारी रहलू अब बियावा से पहिले हमार रहलू लजू छु मजा छु छु नि मा छु 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 बबलू कुमार भुला गए हैं तो जी बहुत अच्छा स्टेज शो था, बहुत अच्छा लगा देख के सुन के। और ना खेसारी लाल यादव अगर कभी भी कोई बात कर रहे हो ना तो उनको ध्यान से सुना करें, वो बहुत डीपली बातें करते हैं। मतलब अगर वो 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, 40 लाख रुपया दान कर रहे हैं, और इनकी बिल्कुल सही बात है कि जिस चीज़ को देखो, सपोज जैसे एक पेयर ऑफ शूज़ है कि जोड़ी जूते की है, किसी के लिए वो ऑप्शन है ना कि भाई हाँ मेरा मन करा तो मैं डालूंगा, नहीं करा तो नहीं डालूंगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इंसान को दोगे जिसको ज़रूरत है तो उसके लिए तो आप भगवान ही बन जाओगे ना। वो तो ये सोचेगा यार इसने मुझे क्या ही दे दिया, इसकी मुझे ज़रूरत थी, इस चीज़ के लिए मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था, बटोर रहा था कि हाँ मेरे पास डालने के लिए शूज़ नहीं है तो मैं शूज़ ले लूँ। और आप अगर अपने घर में किसी को दे दोगे या किसी ऐसे एज अ गिफ्ट दे दोगे किसी को, तो वो सिर्फ एक थैंक यू बोले बोले ना भी बोले कि हाँ ठीक है थैंक यू, मुझे ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी थैंक यू, मैं कभी ना कभी डाल ही लूँगा, है ना। तो बहुत फ़र्क होता है ज़रूरत और ऑप्शन में। तो अगर आप किसी ज़रूरतमंद इंसान को कोई चीज़ दोगे ना तो वो आपको दिल से दुआ देगा और वो बहुत खुश होगा। और आपको करना चाहिए, अगर आप जैसे कुछ कम 100 रुपये कमा रहे हो ना तो एटलीस्ट उसमें से 10 रुपये तो किसी गरीब को दें, गरीब इन द सेंस जिसको ज़रूरत हो। पैसे ना दें उसको, वो चीज़ ला के दे दे जो उसकी ज़रूरत हो। आप ऐसा भी होता है ना कि लोग क्या करते हैं कि पैसे इकट्ठे करके शराब पी लेते हैं कि गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो ना करें, ठीक है मान लिया। तो आप उस इंसान की पूछ के उसको कुछ दे देना, जैसे किसी को कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, किताबें चाहिए, जो भी चाहिए, तो आप वो कर दें। पर ज़रूरतमंद के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर करें, शॉल कंबल बहुत कुछ होता है ना देने के लिए अगर हम चाहें तो। तो हमें गरीबों की हेल्प करना चाहिए। और खेसारी लाल यादव देखो कैसे अपने चाचा के बच्चों को भी अपने ही बहन भाई में इंक्लूड करते, तो वो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ये स्टेज शो बहुत अच्छा लगा, आप लोग कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसके और पार्ट्स लेके आऊं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूं, खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।